चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी के असीम अनुकंपा से हम लोग यहाँ पर हरिचर्चा कर रहे हैं। समय बड़ा विकट चल रहा है और इस स्थिति के अंदर इस समय में जो कोई भी आध्यात्मिक रूप से दृढ़ नहीं है वो व्यक्ति संसार में सुखी जी नहीं सकता। इतना ही नहीं, परमार्थ तो मिलेगा ही नहीं है, उसके स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होगा। बिल्कुल ठंडा, तो इसलिए इसका परमार्थ तो दूर की बात है, स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि संसार में जब सब कुछ व्यवस्थित चलता है तभी व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण, अपनी विलासिता के तो क्या करता है वो कि वो दुखी रहता है, वो सुखी नहीं रहता। जब पूरा संसार में सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी वो दुखी रहता है। और इस समय जब प्रकृति ने इस प्रकार सा उत्पात दिखाई दे रहा है, इस समय तो जीवन निर्वाह करना सहज नहीं है, अत्यंत कठिन है। जो लोगों के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, जो लोगों के अंदर परमार्थ साधन के प्रति रुचि नहीं है, वो लोगों का सबका जीवन सुनिश्चित रूप से ही भ्रष्ट होगा। इसीलिए हम अगर विचार करें, ये तो श्रील गुरु महाराज जी का असीम अनुकंपा है कि हमें ऐसा माहौल प्रदान किया जहाँ पर भगवत चर्चा करने का, और उसके बाद उस चर्चा किया हुआ विषय वस्तु को अपने जीवन में धारण करने का भी सुअवसर प्राप्त हो रहा है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है विषय वस्तु सिर्फ चर्चा तक सीमित होकर रह जाता है, जब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आता है तो फिर व्यक्ति तो कमज़ोर पड़ता ही है, लेकिन उसके साथ रहने वाला व्यक्ति भी, वो लोग भी उसके मनोबल को गिरा देते हैं। जैसे हम सुनते हैं एक कहानी, संत गोसाई महाराज जी परमपूज्यपाद श्रील भक्ति कुमार संत गोसाई महाराज जी कथा बोलते हैं, एकादशी व्रत के बारे में बोलते हैं वहाँ पर कथा में। उस दिन उस सभा में, उस कथा में एक वृद्ध महिला अपने पोते को भी लेके आती है। वो बच्चे ने सुन लिया कि एकादशी है, अन्न नहीं ग्रहण करना, व्रत करना है, नियम से रहना है, ठीक है। अगले दिन जब एकादशी था, क्योंकि एकादशी से एक दिन पहले महर्षि ने ये बात को कहा, अगले दिन जब एकादशी था बच्चा माँ को बोल रहा है कि आज मुझे टिफिन देना नहीं, क्योंकि महाराज जी ने कहा एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। उसने जाके सास को बोला कि देखिए ये तो पता नहीं क्या बोल रहा है बच्चा। तो उसकी जो दादी है वो उसे कहती है कि इतने साल से मैं जा रही हूँ, वहाँ से कुछ भी घर लेके नहीं आई, और तुम जो है कल जा करके तुम वहाँ की बात यहाँ ले आया, तो ठीक नहीं। हाँ, वही सुन के वही छोड़ के वही से आ जाना है। तो इसलिए ऐसे समाज भी है जहाँ पर सिर्फ चर्चा का विषय होता है लेकिन आचरण के लिए किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं दिया जाता है। लेकिन परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी की कृपा से जिस रूप गोस्वामी के अनुगत में, जिस धारा में हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा और आचरण दोनों का ही विशेष रूप से महत्व दिया गया है कि श्रवण, शिक्षा
उपदेश उसके बाद उसका एप्लीकेशन भी है। तो इसीलिए इसका बड़ा एक अलग विशेषता है, इसकी एक अलग महत्व है। उसी क्रम में हम लोग रूप गोस्वामी जी के द्वारा प्रदत्त इस दिव्य उपदेश को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने संग त्याग के बारे में बोला। जब कोई वस्तु को प्राप्त करना है, जब किसी साधक का जीवन में कोई लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके जो अनुकूल जो संग है उसी को करना होता है। नहीं तो व्यक्ति हमेशा अपने अभीष्ट वस्तु से, अपने साध्य से विमुख ही हो जाता है, अपने साध्य से विमुख हो जाता है। यद्यपि आपका साध्य कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके संगी ठीक नहीं है तो आपका साध्य तक जा पाना संभव पर नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले रूप गोस्वामी ने इस बात को आगे किया कि संघ के बारे में निश्चित रूप से चिंतन जरूर करना, और संघ की छटाई भी तब है जब हम लोग 6 प्रकार के वेगों को दमन कर लिया है। जो अपने वेगों को दमन नहीं किया, वो व्यक्ति जब संघ को विवेचना करने का कोशिश करता है, वो व्यक्ति जो उसके लिए आवश्यक संग है उसको भी वो त्याग करके चला जाता है, क्योंकि खुद 6 प्रकार के वेगों के द्वारा ग्रस्त है। जब उसके अंदर वाक्य वेग ज्ञानी, क्रोध वेग ज्ञानी, जीवा वेग, उदर वेग इत्यादि सारे वेग जब गए नहीं है तो उसका बुद्धि तो ठीक है ही नहीं। वेग से ग्रस्त व्यक्ति फिर वहां पर उत्तमाधिकारी हो, चाहे कनिष्ठाधिकारी हो, चाहे मध्यमाधिकारी हो या आदम सेवक हो, उसके दिमाग में ये चीज नहीं घुसता है। उसको तो आदम सेवक भी वैष्णव दिखाई देता है और उत्तमाधिकारी भी उसके लिए पतित दिखाई देता है, क्योंकि कमी उसके अपने अंदर है और उसकी लैंग्वेज इतनी डिफेंसिव होती है। सब तो गुरु जी के हैं जी, सब तो वैष्णव है जी, कहाँ वैष्णव है सब देखा जाए तो, और देखा जाए तो सब वैष्णव कहाँ नहीं है, सभी वैष्णव हैं और सभी वैष्णव नहीं हैं। इस चीज को समझने के लिए भी जो है व्यक्ति को एक स्तर पे आना पड़ता है। सब तो वैष्णव है ही है, देखा जाए तो जीव स्वरूप से वैष्णव है, लेकिन जब बात वैष्णवता का आता है, आचरण का बात आता है, हर व्यक्ति वैष्णव नहीं है। वो वैष्णवोचित आचरण बहुत मायना रखता है, बहुत महत्व रखता है, और जो उस चीज को नहीं समझ पाता है, इसीलिए जो उत्तम भूमिका में रहने वाला व्यक्ति, जो उत्तमाधिकारी वैष्णव जो होता है, परमहंस जो होता है, वो जिसका भी संग करते हैं उनको केवल कृष्ण का ही उद्दीपन होता है। वो किसी को अपना संग प्रदान करते हैं उसको कृष्ण का ही उद्दीपन होता है। स्थावर क्या, जंगम क्या, कुछ भी क्या, जड़ क्या, चेतन क्या, कुछ भी देखते हैं तो सर्वत्र उनका ही मूर्ति झलमल करता है उनका। उस अवस्था में आने के बाद वो चाहे वृक्ष को देखते हैं और उसी समय वो तमाल वृक्ष है, उसको देखने के बाद साथ साथ उनको कृष्ण स्मृति आता है। नए नए कोमल कोमल बादलों को देखते हैं, कृष्ण स्मृति आ जाता है। क्यों? अभिनव जलधर सुंदर है ये, वो तो नए नए बादलों का, जो कोमल कोमल बादलों का जो रूप होता है, ऐसे स्वरूप में कृष्ण का रूप है। वो देखने के साथ कृष्ण का उद्दीपन। मनुष्य की तो बात छोड़ दो, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं नवदीप धाम के अंदर, एक कुत्ता के उनके थाली में से खाना शुरू कर दिया, उनका सेवक ने कुत्ते को भगा दिया। महाराज जी प्रसन्न नहीं हुए, दुखी हुए थे,
अरे हम देख रहे कुत्ता, वो तो कुत्ता देख ही नहीं रहा, तो वो तो वैष्णव देख रहे। दर्शन बदल जाता है उस अवस्था में आने के बाद। लेकिन एक साधक को ये विचार जरूर करना पड़ता है किस तरह का, किस श्रेणी का, किस स्तर का संग मुझे करना है। ये नहीं चलता सब गुरुदेव का है, ऐसा नहीं चलता। ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बात है ही नहीं। गुरु महाराज जी ने हजारों बार ये बात कथा में बोला, गौरार अमी मुखे बोले ना ही चले, मैं माँ प्रभु का हूँ, मैं गुरु जी का हूँ, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलने से थोड़ा होता। जो उनका आचरण लेता है, जो उनके विचार को लेता है, वही व्यक्ति वास्तविकता में उनका होता है। जो वैष्णवों का आचार नहीं लेगा, जो वैष्णवों का विचार नहीं लेगा, वो व्यक्ति वैष्णव कैसे हो सकता। ऐसा कल कोई मुझसे कह रहे थे, गुरुजी से संबंधित दर्शन करते हैं, मठ, गुरुजी का मठ से जुड़ा हुआ, गुरुजी से संबंध से संबंधित। मठ दीवार को नहीं कहते हैं, ईंट पत्थरों को मठ नहीं कहते, मठ विग्रह को कहते हैं, मठ गुरुदेव को कहते हैं, मठ गुरुजी के आदर्शों का अनुगमन करने वाली व्यक्तियों व्यक्तित्वों को कहते हैं, वो मठ है। इसीलिए परम गुरु महाराज जी, श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, जितने भी अगर बाह्य दृष्टि से चैतन्य मठ से बाहर आने के बाद भी वो लोग वास्तविकता में चैतन्य मठ है। देखने में बाह्य दृष्टि से नाम अलग अलग है, लेकिन वास्तविकता में वो सब चैतन्य मठ का हिस्सा है। ऐसा होता है क्यों, वो लोग प्रभुपाद जी के हिस्से हैं। ये विचार बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गुरुजी का जो आदर्श है, गुरुजी की जो शिक्षा, उसके विरुद्ध आचरण करने पर हम लोग उनसे स्नेह कर सकते हैं, क्योंकि एक साधक होने के कारण उनके प्रति स्नेह कर सकते हैं, उनका आदर कर सकते हैं। लेकिन जो विचारों को लेकर नहीं चलता, उनका संग करने पर सुनिश्चित रूप से अपना साधना भी भ्रष्ट होता है। कितने देखा, पहले हरिकथा में बहुत रुचि है, बाद में जाकर के जैसे ही संग बदला, हरिकथा का रुचि शेष हो गया। पहले हरिनाम में रुचि था, बाद में वो रुचि शेष हो गया। क्यों शेष हो गया, कहाँ से शेष हो गया? कारण ये कि जिनका संग किया जाता है वहाँ पर उसी श्रेणी का प्रेरणा मिलता है, उसी स्तर का प्रेरणा मिलता है, और वही व्यक्ति पथभ्रष्ट होके घूमने लगता है। तो जो यहाँ पर इस चीज को हमें समझना होगा कि भगवान ने कृपा करके उस धारा में, उस स्रोत में, उस प्रवाह में हम लोगों को डाला जहाँ पर ये शिक्षा दिया ही नहीं जाता है, बल्कि इसका आचरण के लिए प्रेरणा भी दिया जाता है। उसी के अंतर्गत यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद ने जो हमें बतला रहे हैं संग त्याग के बारे में, जब तक व्यक्ति त्याग करना नहीं जानता है तब तक वो व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जीवन में। त्याग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ ये विचार के साथ में कि कौन सी वस्तु को त्यागना है, कौन से को नहीं। हम लोग संकीर्ण विचारों के साथ, शुष्क ज्ञान के साथ, अनगत विहीन जीवन के साथ में अपने बुद्धि से, अपनी कल्पनाओं से जब निर्णय कर लेते हैं कि ये वस्तु त्याज्य है, ये वस्तु ग्राह्य है, उसी से हमारे लिए अनर्थ सृष्टि हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया कि ये वस्तु त्याज्य है, इनको त्याग करो। इसलिए परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी, उनके साथ जब 2007 में मेरा मुलाकात हुआ था एक संदर्भ में दिल्ली मठ में, गुरुजी ने इस बात को विशेष रूप से एम्फेसाइज किया था। गुरुजी बोलते हैं स्थान का महत्व नहीं होता, महत्व होता है आदर्श का, महत्व होता है आचरण का।
कोई कहीं पे भी है किसी भी स्थान में विश्व के अंदर या ब्रह्मांड के अंदर वो जब उन उपदेशों को लेकर के अपने आचरण में डालने का चेष्टा करता है वो वास्तविकता में सब समय गुरुदेव के सम्मुख में ही है उनके साथ नहीं है। परम आराध्य श्रील गुरु महाराज जी का परम गुरु जी से हम लोग अभिन्न रूप किस लिए देखते हैं इसी कारण से देखते हैं जो सुनते आए गुरुवर्गों से कि जो आचरण परम गुरु महाराज जी का था यथावत आचरण को गुरु महाराज जी जो है लेकर के आए हैं जो ग्रंथों में हम पढ़ते हैं सतीर्थ प्रीति को लेकर जो परम गुरु जी के जीवनी को लेकर जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं उसका मूर्तिमान रूप गुरुदेव के अंदर देखने को मिलता है। इसी से मालूम पड़ता है कि किस प्रकार का आवेश है किस प्रकार का समर्पण है सबको दिखाई देता। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को भी करना होता है संग मतलब ऐसे करना होता है। तो त्यज्य है वो त्यज्य है जो ग्राह्य है वो ग्राह्य है जब ग्राह्य वस्तु है उसको त्यज्य करेंगे। परम गुरु महाराज जी कितने ब्रॉड विजन है उनका। परम गुरु महाराज जी एक व्यक्ति से कहते हैं कि देखिए जो सिद्धांत हम बतला रहे हैं इससे श्रेष्ठ सिद्धांत का निरूपण अगर आप कर सकते हैं बिना किसी संकोच सब कुछ छोड़कर आपका अनुगत करने के लिए हम तैयार है। ये बात बोला कि नहीं परम गुरु जी कितनी बोल्डली इस बात को बोल रहे कि भाई जो जिस चीज का हम लोग आचरण करते हुए चल रहे हैं साधन करते चल रहे हैं अगर आप निरूपण कर सकते हैं इससे श्रेष्ठ कुछ है तो हम छोड़ देंगे कुछ कोई बोल सकता है इसे। परम गुरु महाराज जी का ऐसा है मतलब कितने ब्रॉड माइंड है कितना बृहद विचार है। गुरु जी को गोकुल बनाने की जरूरत क्या पड़ा था वो भी बृहद दर्शन से बृहद विचार से जबकि गुरु जी जो है शुद्ध भक्ति के स्टैंडर्ड से लेश मात्र भी गुरु जी ने कभी किसी को डिविएट होते हुए भी पसंद नहीं किया गुरु जी ने लेकिन फिर भी बनाया प्रेजेंटेशन में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी को रखते हुए बनाया नहीं तो जो संकीर्ण विचार वाले जो व्यक्ति हैं वो गुरु जी का कई सारे विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये बात है ये जो कट्टरपंथी वाली जो स्वभाव है संकीर्ण विचार वाली स्वभाव है वो हमारे सनातन धर्मियों का स्वभाव नहीं होता वो विधर्मी जो होते हैं उनका होता है वो लोग सैनिटिक होते हैं लेकिन शुद्ध भक्त कभी भी फैनेटिक नहीं होता। प्रेम धर्म को पालन करने वाला प्रेम धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति प्रेम संकीर्णता के बीच में कभी आ ही नहीं सकता। प्रेम जो है संकीर्णता में नहीं होता प्रेम बृहद वस्तु है इसीलिए उस प्रेम को अनुभव करने के लिए उस प्रेम को वितरण करने के लिए हर तरह से व्यक्ति को भी बहुत ही बृहद दृष्टि बहुत ही बृहद विचार रख के चलना पड़ता है। लेकिन ये समझ के साथ कि वो वस्तु जब साधक काल में है गुरुदेव का ऐसा विशेषता है कि गुरुजी किसी से भी प्रेम कर सकते हैं किसी को भी प्रेम कर सकते हैं उनके लिए कोई बंदिश नहीं है कि इससे प्रेम कर सकते हैं उससे नहीं कर सकते हैं ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें हैं वो गुरुजी के केस में एप्लीकेबल नहीं होते लेकिन एक साधक जो होता है उसके लिए जरूर अप्लाई करते हैं क्योंकि गुरु महाराज जी जैसे व्यक्तित्व उस उत्तम श्रेणी के व्यक्तित्वों ने उस प्रेम की जो अवस्था है उसको प्राप्त कर लिया हुआ होता है या यूं कहें उस जगत से अवतीर्ण हुए व्यक्तित्व होते हैं जो कि उस प्रेम धन से धनी होकर के अवतीर्ण हुए होते हैं चाहे वो साधन सिद्ध हो चाहे नित्य सिद्ध हो
या उनके अभिन्न स्वरूप जो उनके नित्य परिकर हो, कोई भी हो, वो लोगों के, वो लोग प्रेम धन से धनी हैं। लेकिन जिसके पास कोई भी धन नहीं है, जो धन प्राप्त करना चाहता है, उसको सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए बोला संग त्याग। उस उच्च भूमिका में कोई त्याग का वस्तु नहीं होता, वो चाहे जगह मदाई क्यों ना हो। नित्यानंद प्रभु ने कहा त्यागा, उन्होंने नहीं त्यागा किसी को। ये भी बोल दिया कि तुम अगर हमारे ऊपर प्रहार करेगा, हम तुम्हें प्रेम नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता। वो भूमिका ही अलग है। लेकिन साधक के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। तो साधन काल में जिस वस्तु को त्याग करने पर, जिससे निवृत्त होने पर, उस प्रेम के पथ पे हमारा प्रवृत्ति हो सकता है, वो उपदेश यहाँ पर रूप गोस्वामी बड़े कृपालु होकर के हमें प्रदान कर रहे हैं। इसलिए इसको समझने की बात है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, अभक्त का संसर्ग, मतलब यहाँ पर बताया ज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति जो है वो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि उसका जो प्रयोजन मोक्ष है, उसका प्रयोजन में ब्रह्म में सायुज है, वो ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहता है। वो बस उसका वही लक्ष्य है कि तुम क्या चाहते हो, बोलते ब्रह्म में सायुज हो जाना, मैं ही भगवान, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका संग अत्यंत भयंकर होता है। जबकि धर्मार्थ काम के पीछे जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो इतना खराब नहीं होता। धर्मार्थ काम के पीछे जाने वाला व्यक्ति खराब नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के शरण में जा सकता है। लेकिन जिसने स्वयं को ही ब्रह्म मान लिया, तब तो वो कभी भी भगवान के चरणों में शरणागत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसने खुद को ब्रह्म मान लिया, मैं ही ब्रह्म। तो इसलिए आप पर बोल रहे, ऐसे जो व्यक्तियों का जो संग है वो पूर्णतः त्यज्य है। वो लोग कभी भी भगवान के अधीन नहीं हो सकते, जो स्वयं को ब्रह्म मान लिया हुआ होता है, क्योंकि वो स्वयं को भगवान मानते कि मैं ही तो हम है, तो और क्या है, हम ही ब्रह्म है। बाकी सब तो उनके आगे तो जीव है, बाकी सब जो है माया है। वो स्वयं निर्विकार, निर्विशेष, निर्गुण मय स्वरूप ब्रह्म है, वो उनमें कोई विकार नहीं, बस। इसलिए आप देख सकते हैं, या जितने भी उच्च पद में रहते हैं जो ब्रह्मवादी लोग हैं, वो लोग अपने आचरण में काफ़ी गंभीरता दिखाने का कोशिश करते हैं। विशेष करके जैसे शंकराचार्य मत के अवलंबी जितने भी व्यक्ति होते हैं, या शंकराचार्य होते हैं, ऐसे रहते हैं। उनके मूवमेंट भी जो है बहुत स्लोली होता है, जैसे विग्रह बैठा हो जैसे, क्योंकि वहां रस की बात ही नहीं है, वहां आनंद का बात ही नहीं, वहां पर तो ब्रह्म की बात है। लेकिन वास्तविकता में ये सारे विचार, जहां पर स्वयं को ब्रह्म मान के चलने वाला विचार, वो वास्तविकता में ठीक विचार नहीं है। जिसको भगवान की आवश्यकता है, जिसको भगवत भक्ति चाहिए, वो लोगों को कभी भी ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। और बोलते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये अपने ज्ञान से, अपने तर्क से, जो उनकी अपनी युक्तियां हैं उसी से वो लोग क्या करना चाहते हैं, अपने अभीष्ट वस्तु को पाने का चेष्टा करते हैं। वो क्या है, मोक्ष, ब्रह्म पद, उसी को प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं। वो लोगों के पास भगवत कृपा को प्राप्त करने का कोई भी प्रयास नहीं रहता है। यहाँ तक वो लोग मानते हैं कि साधकों के हित के लिए ब्रह्म ही भगवान का रूप धारण किया है।
ये जो माइक रूप है, ये माइक जगत में आकर उन्होंने ये रूप को धारण किया। जैसे हम लोग गुरुदेव के लिए बोलते हैं, परंपरा के लिए बोलते हैं, ये पंचतत्वों वाला देह को धारण किया है, वास्तविकता में उनका जो स्वरूप है वो मंजरी स्वरूप है। लेकिन इस संसार में जो आए तो जैसे रूप को धारण किया, ठीक उसी प्रकार वो लोग भी ऐसे ही कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही जब इस जगत में अवतीर्ण हुआ साधकों के हित के लिए, तो उन्होंने एक काल्पनिक रूप को बनाया। जब उसका साधना समाप्त हो जाता है तो फिर उसको वो रूप की जरूरत नहीं पड़ता। वो क्या होता है, वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, वो सायुज मुक्ति को पा लेता है, वो विलीन हो जाता है भगवान में। इस प्रकार के विचारों को रख के चलते हैं और विलीन होकर, ब्रह्म में विलीन होकर स्वयं ब्रह्म बन जाता है। बोलते वो लोग अभक्त हैं, वो ठीक नहीं है, वो ज्ञानी व्यक्ति वो ठीक नहीं है, उनका संग क्या नुकसान है, चलो अगर भगवान में विलीन भी हो जाता है तो। बोलते विलीन नहीं होता है, ये एक भ्रम है विलीन होने का। जिस प्रकार से जीव अनुचेतन है, उसके अंदर इच्छा क्रिया अनुभूति है, स्वतंत्रता है, सब है, जब वो ब्रह्म में विलीन होना मतलब है मोक्ष प्राप्त करना, मतलब है अपनी चेतनता को नष्ट करना। जब तक उसकी चेतनता, उसकी जो इच्छा, उसकी क्रिया अनुभूति जो है जीवित है, बचा हुआ है, तो फिर वो उस स्थान में भी जाकर उसमें विलीन नहीं हो सकता। वहां विलीन हो जाना है तो उनमें मिल जाना है, तो मतलब है कि अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। जीव का अस्तित्व तो मिट ही नहीं सकता, जीव का अस्तित्व तो मिट नहीं सकता, क्योंकि जीव नित्य है, ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का अंश जीव का चेतनता का अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता है। जब मिट नहीं सकता वो विलीन किस में होगा, वहां पर विलीन होने के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र में गिरा हुआ वर्षाकाल का बारिश का जो बूंद है वो समुद्र के जल के बीच में से जाकर सीप के मुख में गिरता है तो बड़े सुंदर मोती प्रकट होते हैं। वो पानी का जो अस्तित्व, जल का बिंदु का जो अस्तित्व है समुद्र में प्रवेश करने के बाद भी अलग ही है, वो विलीन का हुआ होता तो कोई भी पानी के बूंद से हो जाता, लेकिन ना, बारिश का बूंद का पानी ही जब जाता है वहां पर तभी वो बनता है। ये प्रकृति में भी ऐसी विचित्रता देखने में आता है, पानी में गिरा हुआ पानी का बूंद ही पानी में मिलता नहीं है। मायापुर जाते हैं, इधर से जो है जमुना जी दिखाई देती है, सरस्वती, यहां से जो है गंगा जी दिखाई देती है, घाट पार करते हैं जब, तो उस समय बीच में ये पूरा एक लाइन सा दिखाई देता है। अरे यहां तो एक रंग है, यहां तो एक रंग है, वो पूरे लाइन से दिखाई देता है, वो कहां मिल रहे हैं। यहाँ का जमीन एकदम लाइन की तरह, जमीन का नीचे का रंग बदल गया या गहराई बदल गया, सब कुछ बदल गया। वास्तविकता में वो जल और ये जल का जो तत्व है उसमें अंतर होने के कारण किसी ना किसी प्रकार से वो वहां पर मिलता हुआ दिखाई नहीं देता, एक लाइन सा दिखाई देता है। दो समुद्र के बीच में भी वो जब दोनों समुद्र नजदीक में आते हैं वहां पे भी लाइन सा दिखाई देता है। जब इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल जहां मिलता है वो दिखाई देता है। हम रामेश्वरम गए थे, इधर का पानी अलग दिख रहा है, इधर का पानी अलग दिख रहा है, यहाँ के पानी में लहर है, यहाँ का पानी शांत है, बड़ी विचित्रताएं हैं प्रकृति के अंदर, वो मिलता नहीं है, संसार में भी नहीं मिलता है।
चीनी का बोरी में चीनी का कण डाल दिया, वो मिल थोड़ा ना गई है। दूर से देखने वाला व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मिल गया, लेकिन वो चीनी का कण का अस्तित्व तो वहां पे भी उससे भिन्न ही है। जब मिल ही नहीं सकता उसमें, जो वस्तु जिसमें मिलन नहीं हो सकता, एक प्रकार का भ्रांति पैदा करता है कि मिल जाने का। जैसे आकाश में उड़ा विमान, थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है जैसे बादलों में मिल गया, अब तो दिखता नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ा कि वो मिल गया, वो तो उससे अपना अस्तित्व जो है उसका वो पूरी तरह से भिन्न है, वो अलग है। एक जंगल में उड़ता हुआ पंछी जब जाकर के वन में प्रवेश किया, देखने में लगता है कि वन में विलीन हो गया, लेकिन पक्षी कहाँ वन में विलीन होता है। इसी प्रकार से जीव कभी भी ब्रह्म में विलीन नहीं होता है, लेकिन यहां बैठ कर के जो तटस्थ में बैठ के देखने वाला जो व्यक्ति होता है, जो साधक होता है, उसको ऐसा आभास होता है कि वो विलीन हो गया। इसी कारण से जीव वह ब्रह्म की अवस्था में पहुंचने के बाद भी प्रसन्न नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता। क्यों बोला, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानीवान माम प्रपद्येत। बहुत जन्म व्यतीत करने के बाद जो ज्ञानी व्यक्ति है मेरे शरण को प्राप्त करता है, मेरे शरण में आता है। क्यों बोला, मुक्तानाम अभी सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्म कोटिश्वर मामुने। बहुत सारे मुक्त हैं, बहुत सारे सिद्ध हैं, इनमें से अगर कोई प्रशांत आत्मा है, ना मुक्त प्रशांत आत्मा है ना सिद्ध प्रशांत आत्मा है, मतलब ना ज्ञानावलंबी व्यक्ति भी प्रशांत आत्मा नहीं है और योगावलंबी व्यक्ति भी प्रशांत आत्मा नहीं है। कर्म का अवलंबन करने वाला व्यक्ति को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो स्वर्ग तक ही सीमित होकर रह जाता। नारायण परायण जो व्यक्ति है वो ही प्रशांत आत्मा है। बोलते कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। जो कृष्ण भक्त होता है वो निष्काम होता है, उसमें किसी ब्रह्म में विलीन होना, भगवान में विलीन हो जाना, या सामीप्य सालोक्य किसी भी प्रकार का, सारिष्टि किसी भी प्रकार का मुमुक्ष कामना उसके अंदर होता नहीं। शुद्ध भक्त क्या कहता है, एक ही बात कहता है, जहां मर्जी रख दो मुझे, पशु बनाना चाहते हो मेरे कर्मों के कारण बना दो मुझे, चलेगा। नरक में रखना चाहते हो रख दीजिए, वो भी चलेगा मुझे, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। वो निष्काम है। क्या चाहिए भैया, कुछ तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इच्छा शक्ति मर गया है, कुछ तो इच्छा होगा ही, क्योंकि चेतनता तो खत्म नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ तो इच्छा होगा। बोलते हाँ एक इच्छा है, वो क्या है, वो तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। बोलते आपकी भक्ति जो है मेरे में बनी रहे, बस मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, आपका भक्ति रहे, आपका मैं नाम करता रहूं, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। एक केवल भक्त में ही इस प्रकार की भाव आता है, इसीलिए वो शांत रहता है। नहीं हम तो देखता नहीं है भक्त कोई शांत है, इसमें दो विचार है। एक तो साधन काल के अंदर जो अशांति दिखाई देता है, वो क्योंकि उसके अंदर जो चार अनर्थ है वो अनर्थों के कारण होता है। लेकिन जब अनर्थों के बीच में ही रहते हुए साधक साधना करता हुआ आगे बढ़ता है, जब उसके अंदर निष्ठा रुचि आसक्ति जैसे क्रम से आता रहता है, तो ये जो अनर्थ उसका उसी प्रकार से उससे दूर हो जाते हैं, तब वो व्यक्ति पूरी तरह से आसक्ति के स्तर पे आने के बाद जाकर वो पूरी तरह से दृढ़ होकर के साधन कर पाता है। तो उससे पहले तक का स्तर में चार अनर्थ होने के कारण अशांति दिखाई देता है,
क्योंकि अनर्थ जहाँ है वहाँ अशांति है, लेकिन एक प्रकार की अशांति वो प्रेम के अवस्था के बाद भी दिखाई देता है, वो सेवा का, विरह का, और उसके बाद सेवा करते करते अलग अलग भावों का। लेकिन वो जो अशांति है वो प्राकृत अशांति नहीं है, वो अप्राकृत अशांति है, इसलिए उसको अशांति नहीं कहते, उसको आनंद ही कहते हैं, उसको प्रेम ही कहते हैं। एक महाराज जी ने आके परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से कहा था, मैं तो सोचा शांति से भजन करूंगा, लेकिन शांति नहीं मिलता महाराज जी। तो महाराज जी मुस्कुराते हुए एक बात बोलते हैं, अगर तुम शांति चाहते हो तो तुमको अद्वैतवाद में जाना होगा। अगर शांति चाहते हो तो वहां जाओ, भक्ति में शांति नहीं है। महाराज जी ऐसे बहुत प्यार से बोला, बोलते क्यों, क्योंकि कई तरह के वैचित्रताएं हैं यहाँ पर, यहाँ पर सेवा का विचार अलग है, प्रतियोगिताएं हैं, उत्साह है, बहुत सारी चीजें, इसीलिए यहाँ पर कोलाहल रहेगा ही रहेगा। उसके अंदर कभी अनुकूल भाव दिखता है, कभी वाम्य भाव दिखता है, कभी प्रतिकूल दिखता है, कभी कुछ दिखता है, लेकिन भक्ति के स्तर पे ये सब उस परमानंद के एक वेरिएशन है, एक ही प्रकार से नहीं है। जैसे रोज एक ही प्रकार का होने पे ऐसा लगता है कि कुछ तो बदलना चाहिए, ऐसा होता है, वहां ऐसा नहीं, वहां वैचित्रताएं हैं, उसमें अलग अलग तरह से वो प्रकट होकर के आता है। तो कभी सुख की तरह लगता है, कभी दुख की तरह लगता है, कभी आनंद की तरह लगता है, कभी उदास की तरह लगता है, कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है, लेकिन उसकी विशेषता ये है सबका केंद्र गोविंद ही होते हैं और सबका सार में आनंद ही होता है। अब गोपियां विलाप कर रही है कृष्ण के लिए, अरे इतनी विलाप कर रही है, इतना विलाप कर रही है, यशोदा मैया विलाप कर रही है, सची माता विलाप कर रही है, और विलाप करते करते शरीर सूख गया। अब उद्धव जी जैसे आकर के गोपियों को बोल रहे कृष्ण को भूल जाओ, या ये करो कृष्ण ब्रह्म है उसका चिंतन करो, क्योंकि उद्धव जी ब्रह्मज्ञानी है ना, इसीलिए बोलते ब्रह्म है, ब्रह्म चिंतन करने से आपको पता चलेगा कि कृष्ण क्या है, कृष्ण तत्व क्या है। तो गोपियां उनसे बोलती है कि ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, हम ये सब सुनने नहीं आए यहाँ, तुम ये बताओ कि उसको भूलना कैसे। अरे तुम्हें इतना पीड़ा मिल रहा है, इतना तकलीफ मिल रहा है, तो तुम उसको भूल क्यों नहीं पा रहा है। वास्तविकता में बदजीव जब इसका चिंतन करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि दुख है, लेकिन जब उनके स्थान से खड़े होकर के देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि नहीं, समाधि है, प्रेम है, समाधि है। जो ज्ञान मार्ग के अवलंबन करने वाले व्यक्ति है उनको एक स्थान में बैठकर एक निर्दिष्ट दिशा, एक आसन, एक व्यवस्था के साथ में ध्यान लगाना पड़ता है, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है, भक्ति एक ऐसी चीज है, जागृत अवस्था में भी समाधि बनी रहती है, वो चलते फिरते किसी भी अवस्था में वो समाधिस्थ है। जो कोई भी वस्तु का अवलोकन करते हैं अपना इष्ट स्मृति हो जाता है उनको, और वो उनको विवल कर देता है। इसलिए बोले ये सब छोड़े तो कहाँ नहीं जाऊं, ये सब छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं, ये सब छोड़ दिया तो प्राणी चला जाएगा तो मेरा, ये नहीं हो सकता। ये जितने भी वस्तुएं हैं कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु, ये सब मेरे अंदर वो उद्दीपन का भाव लेके आ रहा है, और उद्दीपन ऐसा वैसा नहीं होता, जब एक बार उद्दीपन हुआ तो व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है। ऐसा वंशीदास बाबा जी महाराज बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे, सामने रास्ते में कई तमाल वृक्ष दिखाई देता है, वही पे खड़े होकर के वृक्ष को आलिंगन करके रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, चित्कार मार रहे हैं, वही बैठ के कीर्तन करना शुरू करते। वो तो हमारे नजरों में एक पेड़ है,
उनके लिए उसका नाम वो वर्ण इत्यादि ही इतना उद्दीपन है कि उनकी कृष्ण स्मृति हो गया, समाधि लग गया उनको, तो ऐसा होता है। भक्ति के मार्ग में कोलाहल है, एक उल्लास है और उसके अंदर आनंद भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है, लेकिन ज्ञान के मार्ग में ये सब है ही नहीं है। ज्ञान का मार्ग तो शुष्क मार्ग है, इसीलिए आप देखो ऐश्वर्य का मार्ग भी जो है वास्तविकता में इतना आकर्षक मार्ग नहीं है। ज्ञान से तो बहुत ऊपर की बात है ऐश्वर्य भाव का भक्ति, लेकिन जो ऐश्वर्य भाव में रहने वाले जो भक्त हैं वो भी उस माधुर्य प्रेम के मार्ग को देख करके लोभ करते होते हैं कि हमें प्राप्त हो। ये तो ब्रह्म ज्ञान तो बहुत पीछे है। उद्धव जी जैसा ब्रह्म ज्ञानी साधारण व्यक्ति नहीं है। व्रज में जाने के बाद वो व्रज का जो रस है, वो व्रज की जो मधुरिमा है, वो व्रज का जो प्रेम है, उसको समझने के बाद उद्धव जी मनुष्य योनि भी प्राप्ति की कामना नहीं कर रहे। वो तो बोल रहे मुझे तो पेड़ पौधा बना दो। पेड़ पौधा जो लता पता है इनकी चेतना का विकास कितना होता है, नगण्य होता है, बिल्कुल बिल्कुल ना की बराबर में होता है। मतलब इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी होकर, बृहस्पति का शिष्य होकर वो व्रज के अंदर एक पौधा बनने की कामना कर रहे हैं। आप विचार करके देखिए कि किस प्रकार का आनंद की अनुभूति, किस प्रकार का वो वहां पर है व्रज में, जो कि ब्रह्म ज्ञान में है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उद्धव जी कोई साधारण साधक हैं। उद्धव जी सारूप्य प्राप्त किया, कृष्ण की तरह दिखते हैं उद्धव जी, देखने में कृष्ण की तरह दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, कपड़े भी कृष्ण के ही पहनते हैं, जो भगवान के जो निर्माल्य वस्त्र इत्यादि होते हैं, उनके प्रसादी वस्त्र जो होते हैं उन्हीं को पहन के घूमते हैं। इसीलिए कईयों को उद्धव को देखने से ऐसा लगता है कि कृष्ण आ गया। कोई कोई गोपी आके श्री राधा जी से जब कहती है कि कृष्ण आया व्रज में, राधा रानी कहती कि कृष्ण नहीं आया, कृष्ण भक्त आया। बोलते क्यों? बोलते हृदय में हमारा वात्सल्यता का भाव आता है। पूज्यपाद भारती महाराज जी से सुना है बात, महाराज जी बोलते रहते हैं कि हमारे हृदय में वात्सल्यता का भाव आ रहा है। मतलब है कि कृष्ण नहीं आया, लेकिन उनको देख के कृष्ण ही लगता था। सारूप्य प्राप्त और ब्रह्मज्ञानी, परम ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य, कोई ऐरे वेरे ऐसे कोई साधारण व्यक्ति का शिष्य नहीं है, बृहस्पति का, स्वयं बृहस्पति का शिष्य है। इतने महान व्यक्तित्व होने के बाद जब ब्रज में आके गोपियों की बात को सुना, उन्होंने फिर विचार किया कि नहीं, मुझे यहाँ पर बोलना ही ठीक नहीं है, मेरा यहाँ पर बोलना ठीक नहीं। क्यों? मूर्खों को विद्वानों के बीच में बोलना नहीं चाहिए, स्वयं को उनके प्रेम के आगे, उनके भक्ति के आगे नगण्य बना लिया था कि मेरा तो कोई अस्तित्व तो नहीं यहाँ पे, और फिर मैं प्रार्थना करता हूं इनकी जो, ये लोग साधारण व्यक्ति नहीं है, इनके इनके दिव्य हरिकथा, इनका दिव्य आचरण त्रिभुवन को पुनीत करने वाला आचरण है। पुनाति भुवनत्रयम, त्रिभुवन को पुनीत करने वाला है। इसीलिए मैं क्या चाहूंगा कि मैं यहां पर कोई पौधा बनूं, जिससे कि ये लोग जब चल रहे हैं इनके श्री चरणों का धूल से मैं अभिषिक्त होता रहूं नित्य निरंतर। ये विशेषता है। इसलिए यहां पर इसी चीज को बतलाया, ज्ञान मार्ग का अवलंबन वास्तविकता में जीव को भगवान से विमुख करने का साधन होता है। वो भगवान के साथ में जीव को कभी भी जोड़ने वाला साधन नहीं होता। इस कारण से बोलते कभी भी ज्ञान मार्ग के अवलंबन नहीं करनी चाहिए, और ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनका संग भी नहीं करना चाहिए। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वंशा कल्पतरु भेष्य कृपा सिंधु पे वचन।
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।